माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं क्रेप साइकिल या टीसीए साइकिल। इसके पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होती है, तो उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होती है, उसके कितने स्टेप होते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्रेप साइकिल या टीसीए साइकिल के बारे में, जो एरोबिक रिस्पायरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। तो ग्लाइकोलिसिस में हम लोग क्या जान चुके हैं कि ग्लाइकोलिसिस यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो स्प्लिट होता है, तो इसीलिए उसे नाम दिया गया है ग्लाइकोलिसिस। अब जब ग्लूकोज स्प्लिट होते हैं तो एक 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पायरुविक एसिड कहते हैं। तो ये जो टीसीए साइकिल है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तो क्रेब साइकिल जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये पायरुविक एसिड से स्टार्ट नहीं होती है। ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है, पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड से एक प्रक्रिया होती है एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन की प्रक्रिया के माध्यम से एक 2 कार्बन कंपाउंड बनता है, जिसको हम कहते हैं एस्टिल कोएंजाइम ए कहते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन बोलते हैं। तो एसिटाइलेशन के माध्यम से एस्टिल कोएंजाइम बनते हैं, और वह एस्टिल कोएंजाइम माइटोकांड्रिया में जाते हैं। माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स की उपस्थिति में ये साइकिल रन करती है, जिसको हम क्रेब साइकिल कहते हैं। क्रेब साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि हैंस क्रेब नामक वैज्ञानिक ने इस वैज्ञानिक के बारे में डिस्क्रिप्शन दिए थे, तो इसीलिए इसे नाम दिया गया है, क्रेब साइकिल नाम दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं टीसीए साइकिल क्यों कहा गया है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टी का मतलब क्या है, ट्राई, सी का मतलब कार्बोक्सिलिक, ए का मतलब एसिड, साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन दिस साइकिल कॉल्ड सिट्रिक एसिड। इस साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है, वो सिट्रिक एसिड है, तो इसलिए इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, सो इट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। और ये जो सिट्रिक एसिड होता है इसमें कार्बन कितना होता है, तो इसमें 6 कार्बन है, यानी सिट्रिक एसिड जो है एक 6 कार्बन कंपाउंड है, इसमें कार्बन की संख्या 6 होती है। इसके बाद में सिट्रिक एसिड हैविंग 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सिट्रिक एसिड में 3 क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, ग्रुप पाए जाते हैं, इसलिए इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, सो इट इज कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो बात समझ में आ गया होगा कि इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं या इसे हम टीसीए साइकिल क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या 3 होती है, इसलिए इस साइकिल को हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं। इसके बाद में टीसीए साइकिल डिस्कवर्ड बाई हैंस एडोल्फ क्रेब, इनका पूरा नाम है हैंस एडोल्फ क्रेब, इन्होंने इस साइकिल को डिस्कवर्ड किया था। इसके अलावा टीसीए साइकिल इज कॉल्ड एम्फीबोलिक साइकिल, टीसीए साइकिल को हम एम्फीबोलिक साइकिल भी कहते हैं। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जामों में पूछा जाता है कि एम्फीबोलिक साइकिल क्या है। तो वास्तव में एम्फीबोलिक साइकिल वास्तव में क्या है, टीसीए साइकिल ही है, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या इसको क्रेब साइकिल के नाम से जानते हैं, तो कई सारे इसके नाम है। दूसरी चीज, ये महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट का यानी कि ग्लूकोज का स्प्लिटिंग होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, एस्टिल कोएंजाइम बनेगा। इसके अलावा अगर फैट्स का स्प्लिटिंग हो, यानी कि फैट्स फैट का वसा का ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीकरण हो, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैट्स का ऑक्सीडेशन होगा जब, तो उसको हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और इससे भी क्या बनेगा, एस्टिल कोएंजाइम बनेगा जो माइटोकांड्रिया में जाएंगे और वहां पर क्रेब साइकिल रन करेगी। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि प्रोटीन का भी ऑक्सीकरण होता है, प्रोटीन का भी ऑक्सीडेशन होता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
डीएमिनेशन, और डीएमिनेशन के माध्यम से भी क्या बनेगा, स्टील को एंजाइम बनेगा जो माइटोकांड्रिया में जाएंगे मैट्रिक्स में और वहां पर क्रेब्स साइकिल रन करेगी। इसके बाद दिस साइकिल रन इज माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स, ये साइकिल रन कहां करती है, माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स में रन करती है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कई सारे एंजाइम्स होते हैं जिनकी उपस्थिति में ये साइकिल चलती है, लेकिन एक एंजाइम ऐसा भी है जो माइटोकांड्रिया के मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, सक्सनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो आइए देखते हैं कि ये साइकिल में कितने स्टेप होते हैं, क्या क्या रिएक्शन होते हैं। रिस्पायरेशन के टोटल जो स्टेप होते हैं वो 4 स्टेप होते हैं। तो वो स्टेप कौन कौन से हैं, जैसे देखिए पहले क्या होगा, ग्लूकोज का स्प्लिटिंग होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। इसके बाद में क्या होता है, एसिटाइलेशन होता है, एस्टिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है, और जब एस्टिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हो जाता है तो क्या होता है, एक साइकिल रन करती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और क्रेब्स साइकिल के रन करने के बाद बहुत सारे क्या बनते हैं, कोएंजाइम्स बनते हैं। तो ईटीएस की प्रक्रिया होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन के प्रक्रिया के माध्यम से एटीपी बनते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के दौरान एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फोटोफास्फोरिलेशन कहते हैं, फोटोफास्फोरिलेशन नहीं सॉरी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, क्योंकि फोटोफास्फोरिलेशन तो फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन के पश्चात हो रहा है तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। अब यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि ग्लूकोज से क्या बनेगा, पाइरूविक एसिड, और पाइरूविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल, कार्बन कितना होगा, 3, देखिए CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ ओ एच क्या है, ये पाइरूविक एसिड है, इसके कितने मॉलिक्यूल है, 2 है। अब इसके बाद में क्या होगा, एसिटाइलेशन होगा, एसिटाइलेशन में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, यानी कि CO2 बाहर निकलेगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा तो CO2 बाहर निकलेगा, तो कार्बन कितना हो जाएगा, 2, 3 कार्बन था, अब डीकार्बोक्सिलेशन हो गया तो कितना कार्बन बचा, 2 कार्बन बचा। इसके अलावा जो है डीहाइड्रोजिनेशन भी होता है, तो NAD उसको कलेक्ट करेगा और क्या बनाएंगे, 2NAD की क्या बनाएंगे, 2NADH+H+। तो पाइरूविक एसिड 2 है, इसलिए 2NAD+ क्या बनाएंगे, 2NADH+H+। इसके अलावा प्रत्येक एसिटाइलेशन कितनी बार होगा, 2, क्योंकि पाइरूविक एसिड कितना है, तो एक पाइरूविक एसिड के लिए एक एसिटाइलेशन होगा, एस्टिल कोएंजाइम बनेगा, दूसरे पाइरूविक एसिड से यही प्रक्रिया होगी, एसिटाइलेशन होगा और क्या बनेगा, एस्टिल कोएंजाइम बनेगा। तो इसलिए डायरेक्टली हमने लिख दिया यहां पर 2NAD+ से क्या बनेगा, 2NADH+H+। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, कार्बन कितना है, 2 है, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन हो गया है तो कार्बन कितना बचा, 2 बचा। तो CO2 कितना निकलेगा, 2, 2 CO2 बाहर निकलेंगे, तो टोटल इसमें 2 मॉलिक्यूल थे, तो कार्बन कितना था, 3, 3 6 था, 2 निकल गया, तो 2 मॉलिक्यूल बचे जिसमें कार्बन कितना है, 2 है, 2 कार्बन की संख्या है, किसमें, एस्टिल कोएंजाइम ए में। तो इस तरह से एस्टिल कोएंजाइम ए बनता है। अब देखिए यहां पर क्रेब्स साइकिल को दिखाया गया है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एस्टिल कोएंजाइम बना जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2 कार्बन है, अब सिट्रिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें कार्बन कितना होता है, 6 कार्बन होते हैं, तो यहां पर 2 ही कार्बन है, तो 4 कार्बन कहां से आएंगे, तो 4 कार्बन जो है वो उधार लिए जाते हैं। अब किससे उधार लेना है, तो हम क्या करते हैं, OAA से 4 कार्बन उधार ले लेते हैं, ऑर्गेनोस्टिक एसिड, आप पढ़ चुके हैं प्रकाश संश्लेषण में कि जो OAA होता है, ऑर्गेनोस्टिक एसिड होता है, उसमें कार्बन की जो संख्या होती है वो 4 होती है, तो ऑर्गेनोस्टिक एसिड से 4 कार्बन मिलेगा, और एस्टिल कोएंजाइम के पास स्वयं में 2 कार्बन है, तो 4 कार्बन और 2 कार्बन कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन, 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन कितना हो जाएगा, 6 कार्बन। तो ये 6 कार्बन का एक
यौगिक बनेगा जिसका क्या नाम है सिट्रिक एसिड। तो ये आगेलो एस्टिक एसिड प्लस एस्टिल को एंजाइम ए मिलकर, और यहां पर जो है को एंजाइम बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और एक एंजाइम है सिट्रेट सिंथसेज, सिट्रेट सिंथसेज एंजाइम की उपस्थिति में ओ ए एस और एस्टिल को एंजाइम ए क्या बनाएंगे सिट्रिक एसिड बनाएंगे जिसमें कार्बन कितना है 6 है। इसके बाद क्या होगा एकोनाइटेज, एकोनाइटेज एंजाइम की उपस्थिति में और आयरन की उपस्थिति में क्या बनेगा सिस एकोटिनिक एसिड। इसमें कार्बन कितना है 6 कार्बन है क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है तो कार्बन उतना ही रहेगा। इसके बाद में क्या होगा Fe2+ के उपस्थिति में एकोनाइटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक और प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है आइसोसिट्रिक एसिड। इसमें भी कार्बन कितना है 6 है क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया अभी नहीं हो रही है। अब इसके बाद में क्या होगा डिहाइड्रोजिनेशन होगा, इसके अलावा डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। तो दोनों प्रक्रियाएं होंगी, डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होता है हाइड्रोजन आयन बाहर निकलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है CO2 बाहर निकलता है। तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा किसकी उपस्थिति में एंजाइम के जिसका नाम क्या है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोजन निकलेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो NAD उनको एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा NADH+H+। इसके अलावा डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा तो CO2 बाहर निकलेगा। अब CO2 बाहर निकल गया तो एक कार्बन बाहर निकल गया तो कार्बन कितना बचा 5 कार्बन बचे और क्या बन गया अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जिसमें कार्बन कितना है 5 कार्बन है। इसके बाद में क्या होगा वापस से डिहाइड्रोजिनेशन होगा और डीकार्बोक्सिलेशन होगा, एक बार फिर डिहाइड्रोजिनेशन और कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो डीकार्बोक्सिलेशन में आप जानते हैं CO2 बाहर निकलेगा तो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है किसकी उपस्थिति में कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 बाहर निकला प्लस यहां पर कोएंजाइम ऐड हो जाएगा और डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो NAD हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे और क्या बनाएंगे NADH+H+। तो यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन हो गया और ये बन गया NADH+H+। इसके बाद में क्या होता है एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसका नाम क्या है सक्सनिल कोएंजाइम ए। इसके बाद में यहां पर क्या होगा कि सक्सनिल कोएंजाइम ए में जो कोएंजाइम ए है वो बाहर निकलेगा और ये बाहर निकलेंगे और यहां पर जो है ADP इनऑर्गेनिक फास्फेट से एक क्या बनेगा ATP बनेगा। तो पूरे क्रेब्स साइकिल में केवल एक ही डायरेक्टली ATP का प्रोडक्शन होता है, वो कहां होता है सक्सनिल कोएंजाइम ए जब सक्सनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो उसी स्टेप में ATP का प्रोडक्शन होता है। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो ATP डायरेक्टली ATP बनते हैं क्रेब्स साइकिल में वो किस स्टेप में बनते हैं तो सक्सनिल कोएंजाइम ए से जब सक्सनिक एसिड बनता है तो उसी दौरान डायरेक्ट ATP बनता है, एक ही ATP डायरेक्टली बनते हैं। किसकी उपस्थिति में बनेंगे सक्सनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। अब इसके बाद में क्या होगा कि वापस से एक बार फिर डिहाइड्रोजिनेशन होगा सक्सनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला जो है वो क्या है कोएंजाइम है जिसका नाम क्या है FAD आपको पढ़ाया गया है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे क्या बना लेंगे क्या बन जाएगा FADH2 बन जाएगा और 4 कार्बन का जो एक नया कंपाउंड बनेगा वो क्या है फ्यूमेरिक एसिड। अब फ्यूमेरिक एसिड से क्या बनेगा तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे H2O बाहर निकलेगा और फ्यूमारेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। मैलिक एसिड में भी कार्बन कितना है 4 कार्बन है क्योंकि सक्सनिल कोएंजाइम ए से जितने भी स्टेप होंगे वहां डीकार्बोक्सिलेशन होगा नहीं
तो कार्बन की संख्या क्या होगी, मेंटेन रहेगी। तो मैलिक एसिड बना और मैलिक एसिड में कार्बन कितना है, 4 कार्बन है। इसके बाद में एक बार फिर डिहाइड्रोजनेशन होगा और डिहाइड्रोजनेशन जब होगा तो हाइड्रोजन को NAD कलेक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, NADH+H+। और मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनेगा, OAA। मैलिक एसिड मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनेगा, OAA ऑक्सलोएस्टिक एसिड। तो ये 4 कार्बन वापस से बन जाएगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया जो है रन करती है, साइकिल रन करती है। अब आप देखिए कि यहां पर NADH+H+ कितने बने हैं, तो एक यहां बना है, एक यहां बना है, दूसरा कहां बना है, दूसरा यहां पे बने हैं, और तीसरा कहां है, यहां पे। तो तीन क्या बना है, NADH+H+। तीन क्या बने हैं, NADH+H+। तो प्रत्येक NADH+H+ कितने ATP बना सकते हैं, तीन। तो तीन है तो कितने बनाएंगे, 9 बनाएंगे। इसके अलावा एक क्या बना है, FADH2। तो एक क्या है, FADH2। और एक FADH2 में ये कैपेसिटी होती है कि वो केवल 2 ATP मॉलिक्यूल को बना सकते हैं, और एक डायरेक्टली क्या बना है, ATP बना है। तो एक ATP, 2 ATP और 9 ATP कितना हो गया, 12 ATP। तो एक क्रेब्स साइकिल के चलने पर जो अब ये जो कोएंजाइम है वो ETS में जाएंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, और कितने मॉलिक्यूल ATP बनेगा, 12 ATP का प्रोडक्शन होगा। तो एक क्रेब्स साइकिल में जो टोटल ATP का प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, 12 होता है। तो एक ग्लूकोज के लिए क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलती है, 2 बार चलती है, तो 12 और 12 24 हो गया। एसिटाइलेशन के दौरान 2NADH+H+ बने हैं, तो ये भी कितने बनाएंगे, 6 ATP बनाएंगे, तो 24 6 30। और 8 कहां बनता है, ग्लाइकोलिसिस में बनता है। तो इस तरह से एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से 38 ATP का प्रोडक्शन होता है।